एनडीटीवी वाला भी दिखाया करता था, बीबीसी वाला भी दिखाया करता था, क्या हाल हुआ? ईडी और सीबीआई इनके घर पर लाला रामदेव से एक बयान दिलवाया जाता है कि 5 वक्त की नमाज करो, कुछ भी करो, फिर उसके बाद में एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ वर्तमान सरकार ने बोला। अच्छा एक चीज बताओ, लाखों पैसे करोड़ों पैसे खर्च करके आप पत्रकारिता करते हो क्या तलवे चाटने के लिए? अरे भैया पता नहीं चला होगा, ये गोदी सेठ ये भैया हैं, कैमरा आ गए। जब से मोदी जी आए हैं तब से महिला रोड पे 15-15 किलोमीटर घसीटी जाती है, ये अच्छे दिन है। 30 रुपए वाला तेल 300 पार कर गया, ये अच्छे दिन है। 400 वाला सिलेंडर 1400 पार कर जाएगा, ये अच्छे दिन है। बिल्कुल भाई देखो, वो हमेशा वो डरते हैं, आपको पता है किस चीज से? अडानी जी से डरते हैं। अच्छा। क्योंकि मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि जिस दिन ये केस आता है उस दिन मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन रख दिया जाता है, फिर उसके 2-3 दिन बाद लाला रामदेव से एक बयान दिलवाया जाता है कि 5 वक्त की नमाज करो, कुछ भी करो, फिर उसके बाद में एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ वर्तमान सरकार ने बोला। और बीबीसी पे जो छापा पड़ा है ना पत्रकार महोदय, वो बीबीसी पे नहीं, जितने भी पत्रकार बंधु खड़े हैं सब पे एक छापा है। अच्छा एक चीज बताओ, लाखों पैसे करोड़ों पैसे खर्च करके आप पत्रकारिता करते हो क्या तलवे चाटने के लिए? वर्तमान सरकार के तलवे चाटने के लिए आपने पत्रकारिता करी? भाई सच दिखाने के मैं बता रहा हूँ, जिसने खुद घूस लिया और उसी घूस के चक्कर में तिहाड़ गया और वो हमसे कहता है सरकारी नौकरी घूस लेने के लिए कर रहे हो, बिल्कुल चाट रहा है। खड़गे साहब ने कहा कि पत्रकार को वर्तमान सरकार ने खरीद लिया है, बिलबिला गई एक पत्रकार, अब आपको नाम भी सबको पता है तो भैया तो वो तो कह रही है ना कि अगर एक पाई भी कोई साबित कर दे तो नौकरी छोड़ देंगे। भैया साबित क्या करना, एक चीज सुनिए, एक चीज, खड़गे साहब ने झूठ बोला है, खड़गे साहब ने झूठ बोला है। अच्छा एक चीज बताइए, एनडीटीवी क्यों बिकी? क्योंकि वो सच्चाई दिखाती थी। बीबीसी पे छापा क्यों पड़ा? बीबीसी पे छापा क्यों पड़ा? क्योंकि वो सच्चाई दिखाता था। छवि खराब कर रहे हैं मोदी जी की 2024 को लेकर, इसलिए छापा पड़ा। देखो 2014 में एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, ठीक, आज वो एनडीटीवी किसके हाथ में है? गोदी सेठ के हाथ में है। तो बीबीसी भी किसी के हाथ में चला जाएगा? बीबीसी भी अंबानी जी के हाथ में जाएगा, अडानी जी के हाथ में जाएगा। तो कह रहे हैं पूरी वेब सीरीज बनाएंगे अब डॉक्यूमेंट्री की। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लोग किसी न किसी माध्यम से, किसी ना जो डॉक्यूमेंट्री है उसपे सहमत है, जो आरोप लगा प्रधानमंत्री पे दंगा हुआ, सही है बिल्कुल सही लग रहा, आपने देखा है? बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ उस बात। भाई एक चीज बताओ पत्रकार महोदय एक चीज बताइए कि आप कोई भी इल्जाम किसी पे लगाओगे, जब आपके पास प्रूफ होगा तभी तो लगाओगे। दुनिया को याद है कि 2000 दंगा हुआ था, 2002 वाला, ठीक। अब किसने करवाया था, किसकी उस समय सरकार थी, क्या क्या हुआ, तो सबको पता है, किसी से ये बात छिपी नहीं है। हम उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, सुनिए, सबूत नहीं पेश हुआ इसलिए बरी कर दिया। कैसे बरी कर दिया? तो मोदी जी डर कह रहे हैं, जब बीबीसी वालों ने करा तो मोदी जी डर कर, ईडी और सीबीआई और आईटी किस पे बैठनी चाहिए? अडानी जी पे बैठनी चाहिए। एक आरोप है, उनकी इमेज तो पहले से ही खराब है, पहले से ही खराब है, जब उन्होंने कह दिया गुरु मानने हो। भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं गुरु तो मानना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मानना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री। जबरदस्ती हो रही है आपके साथ? बिल्कुल भैया, हमारे साथ ही नहीं, आपके साथ भी हो रही है। आप सच्चाई, मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री भी नहीं मानते? प्रधानमंत्री। आप 15 दिन अपने चैनल से सच्चाई लगातार दिखाते रहो, आपका चैनल ना बिक जाए ना नाम बदल। 15 नहीं, जब से शुरू करा जब से सच्चाई दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखा रहे हो? अरे भैया पता नहीं चला होगा, ये गोदी सेठ ये भैया है, कैमरा हाँ द नेशन वाइज इनके चैनल को खरीदे, बहुत सच्चाई दिखा रहे हैं। एनडीटीवी वाला भी दिखाया करता था, बीबीसी वाला भी दिखाया करता था, क्या हाल हुआ? ईडी और सीबीआई इनके घर पर। अच्छा है कि कांग्रेस का समर्थक था? अच्छा भैया मैं क्या, जो पत्रकार सच्चाई दिखा देता है ना, उसके ऊपर कांग्रेस का आरोप ही लगता है कि कांग्रेस का समर्थन करता है। एनडीटीवी पे भी यही लगा था, बीबीसी पे भी यही लगा, और आप लोग दिखाते रहोगे ना तो आने वाले वक्त पे आप पे भी ये आरोप लगने वाला है। आप पे क्यों आरोप लग जाता है? मुझ पे तो भैया आरोप लगाने वाले कौन है? 4-6 नफरती लोग हैं, 4-6, और वो भाजपा के तलवा चाटने वाले लोग हैं। मिश्रा का बयान आया करें, विकल्प नहीं है 2024 में कोई। विकल्प नहीं है पत्रकार महोदय, सबसे बड़ा विकल्प तो आप हो, आप भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो। एक 543 सांसद है, कोई भी बन सकता है। इलेक्शन होने दो, युद्ध कराओगे सबको प्रधानमंत्री का दावेदार? भाई साहब बिल्कुल हो, 135 करोड़ जनसंख्या है, सब हो सकते हैं दावेदार। खत्म, अच्छे दिन बनेगा तो एक ही ना आए हैं तो पीएम तो वही बने। अच्छा अच्छे दिन आ गए, बहुत अच्छे दिन आ गए। जब से मोदी जी आए हैं तब से महिला रोड पे 15-15 किलोमीटर घसीटी जाती है, ये अच्छे दिन है। 30 रुपए वाला तेल 300 पार कर गया, ये अच्छे दिन है।
400 वाला सिलेंडर 1400 पार कर जाएगा, ये अच्छे दिन। अरे मोदी जी का नमक खाया वो क्या? मोदी जी का नमक खाया भैया? देखो भैया मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया, सबको दिया है उन्होंने, मैंने नहीं खाया, सबको बांटा है। भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, रोजगार बांटो, शिक्षा बांटो, संविधान बांटो, मनमर्जी का थोड़ी नहीं बांटेंगे, स्वाद बांट रहे, नमक का स्वाद। कोई होटल थोड़ी खोल रखा है जो मनमर्जी का खिलाएंगे वो? अरे भैया होटल नहीं खोल रखा है, मैं मोदी जी को तब मानता, इन्होंने 15 अगस्त पे तिरंगा बांटा था, मैं तिरंगे को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जब 26 जनवरी को मोदी जी संविधान अपने नेताओं के यहाँ भेज देते तब मैं मानता मोदी जी के नमक का स्वाद क्यों नहीं लग रहा? भाई मैंने खाए ही नहीं, मैं किसी का नमक क्यों खाऊं? जो हराम का मैं अपना खाता हूँ, जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है, मैं किसी का नमक नहीं खाता भाई, मैं अपने घर वालों का खाता हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, बिल्कुल हराम की खाता है भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, अभी वोटिंग करवा लो, इस समय सिर्फ 1% देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, दुनिया की मान लो दुनिया की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री है मोदी जी, प्रधानमंत्री बड़े नहीं पार्टी बड़ी है, पार्टी बड़ी है, मोदी जी भी सबसे बड़े नेता है उस पार्टी के, ठीक, और उसी पार्टी का सबसे बड़ा उद्योगपति, सबसे बड़ा दुनिया का घोटाला करता है, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, पहचान बड़ी प्रधानमंत्री के आने, सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं वो मेरी वजह से पहचाना जाता है देश, देश उनकी वजह से पहचाना जाता है, संसद में कहा है खड़े भैया, संसद में वो ये नहीं कहेंगे कि अडानी जी ने जो किया है उस पे नहीं बोलेंगे, महंगाई पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, अमित शाह का क्या, अमित शाह ने तो ये बोला था, अमित शाह मंदिर बन जाएगा, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जवान दे सकते हैं चौड़ा सीना करके, भाई साहब जवान दे रहे हैं बिल्कुल, देखो जो आपने बताया मैडम 24 में राम मंदिर क्यों, आज क्यों नहीं, राम मंदिर में मेरी आस्था है, मैं राम को मानने वाला, आज क्यों वो वोट बैंक की राजनीति, बनने में टाइम लगता है, ऐसे थोड़े बन जाएगा, ठीक है जब बन जाएगा तो ठीक है, 24 में भैया क्यों, आज बनाओ, अभी बनाओ, इसी वक्त बनाओ, आज मेरी आस्था है, तभी तो बनेगा, बीजेपी को वोट देंगे तब बनेगा, वहाँ पे बीजेपी के नेता कौन से नेता वहाँ पे ईंटा दे रहे हैं भैया, मिस्त्री हैं बीजेपी वाले, खून पसीना है, खून पसीना, जिला का नाम चेंज कर दिया, तो भैया जो बदलने वाला होगा वो तो बदलेगा ही, बदलने वाला है जिसने अपना ही नाम बदल दिया, खून पसीना है भाजपाइयों का, कैसे 90 के दशक से लड़ाई लड़ी है, आप एक चीज बताइए कि वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे राम मंदिर में भाजपा के लोग थे, जय श्री राम बोलने वाले कौन थे, जय सिया राम बोलने वाले भैया सारे हिंदू, जय सिया राम, हम तो सुनिए देश के लोग थे ना कि भाजपा के लोग थे, और आज ये भाजपा का जन्म आज हुआ है 2014 में हुआ है, हाँ मैं तो जय सिया राम बोलता हूँ, जय श्री राम को लगाते हैं, जय श्री राम भाजपा वाले लगाते हैं, वही तो बात कह, वही तो लगा रहे नहीं, वहाँ भी जय श्री राम लग जाता, सुनिए सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि श्री राम ना भाजपा वाले के हैं, ना कांग्रेस वाले के हैं, ना बीजेपी वाले के, किसी के नहीं, श्री राम देश के 135 करोड़ जनसंख्या। चलिए बहुत शुक्रिया, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं, नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।